सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज़ रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पस पे या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सही से आती जाए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको उसके अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको डे ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट कॉल्स मिलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर, यहाँ तक कि आपको एक्सपायरी के लिए एक्स्ट्रा वीडियो, एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी, एक्स्ट्रा लेवल्स मिलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। इसके साथ साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको कम्युनिटी में स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते रहेंगे। आपको कौन से स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, इन सब के बारे में आपको जानकारी चैनल मेंबरशिप के अंदर मिलती है। इसके साथ साथ आपको आपके क्वेरीज का अर्ली रिप्लाई मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको चैनल मेंबरशिप के अंदर मिलते हैं, तो जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है, वही अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक और आइकॉन दिखेगा ज्वाइन बटन करके, तो वहाँ से भी आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी फिफ्टी के साथ। तो देखिए, निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 14,406 के पास और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 31,782 के पास। तो आज निफ्टी ने एक डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है। और अगर हम लोग बात करें आज के क्लोजिंग की, तो देखिए मैंने आपको कल ही बोला था कि पहले इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि अगर आपको मॉर्निंग गेन मिलता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि अगर आप पूरे दिन के लिए बैठोगे तो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो पुट ले रखी थी, मैंने उनको भी सजेस्ट किया था कि अगर आपको मॉर्निंग में ही अच्छा खासा मिलता है जो भी प्रॉफिट, वो आप लेके निकल जाओ, पूरे दिन के लिए मत बैठो। क्योंकि देखिए एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मार्केट हमेशा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और उस टाइम पे हमारा जो प्रीमियम है वो घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पुट ले रखा था, प्रॉफिट उनको बढ़िया हो गया होगा अगर उन्होंने मॉर्निंग में ही एग्जिट कर लिया होगा। तो अगर हम लोग आज पूरे दिन की बात करें तो निफ्टी ने आज हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखाई तो थी, लेकिन निफ्टी हमें थ्रू आउट द सेशन आज अपसाइड की जर्नी तय करता हुआ दिखाई दिया। वन आवर का चार्ट देखे निफ्टी का तो आप देख सकते हो निफ्टी ने नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आज हमें करता हुआ दिखाई दिया था। तो अगर हम लोग बात करें अभी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो देखिए अभी निफ्टी फिलहाल 500-550 के नीचे है और यहाँ से निफ्टी का हम लोग टारगेट 500 का लेवल तो देख रहे हैं। यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम तभी पकड़ सकता है जब निफ्टी 550 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जाता है और 2 से 3 सेशन में निफ्टी उस लेवल को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ से निफ्टी हमें फिर अपने अपसाइड के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि रहेगा 14,700 एंड 900 का लेवल। तो अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से अभी निफ्टी तेजी ही पकड़ेगा, आज जो इतना 100 पॉइंट्स का मूव दिया है, 100 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर निफ्टी बंद हुआ है, तो यहाँ से निफ्टी और ज़्यादा अपसाइड की रैली दिखा सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस लेवल को पार करना,
तभी हम लोग निफ्टी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो गिरावट थी वो खत्म हो गई है और यहाँ से निफ्टी हमें अपसाइड के लिए ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो अभी हम लोग फर्स्ट निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो मेरे सामने निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा है। तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखें, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 15,000 के लेवल के ऊपर। वही अगर हम लोग देखें कॉल साइड में, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है 15,200 के ऊपर और 15,000 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी के लिए अपसाइड की अगर बात की जाए तो अपसाइड के लेवल के ऊपर हमें अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई दिखाई दे रही है, तो ये पॉजिटिव साइन माना जाएगा। लेकिन निफ्टी को अभी भी ये जोन पार करना इम्पॉर्टेंट है। अगर 700 के ऊपर टिक जाता है तो ही अपसाइड की जर्नी निफ्टी हमें तय करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो अभी अगर फिलहाल बात करें तो निफ्टी के लिए जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, वो बना हुआ है 14,700 का लेवल। जब तक ये लेवल पार नहीं होता है, इन लेवल्स के पास निफ्टी हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे सकता। डाउन साइड की बात करें तो देखिए, पुट साइड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आज बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है 14,000 के लेवल के ऊपर, और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हमें इसी लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है। तो अभी देखिए, निफ्टी ने नीचे के लेवल से अच्छी खासी जो है वो रिकवरी तो कर ली है, लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी अगर ये जोन ब्रेक करता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये जोन ब्रेक होता है तो निफ्टी अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 14,000 के पास। और अगर ये भी नहीं होल्ड करता है तो निफ्टी हमें 13,700 और 900 के जोन में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी अगर बात करें इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट की, तो 14,000 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए बना हुआ है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से एक इंटेंस सेलिंग प्रेशर हमें निफ्टी के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो अभी निफ्टी के लिए हमने ऑप्शन चेन डेटा तो देख लिया है, तो चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। अभी मेरे सामने निफ्टी का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने फिलहाल 400 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। आज की बात करें तो आज निफ्टी हमें थ्रू आउट द सेशन बुलिश मोमेंटम में ही दिखाई दिया था, और नीचे के लेवल से अच्छी खासी बाइंग आती हुई हमें दिखाई दी। और आज अगर देखें तो ओपनिंग हुई थी 14,219 के पास, लो हुआ था 14,151 का, और इंट्राडे हाई था 14,424 का, और अभी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 406 के पास निफ्टी हमें बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी अगर देखें इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी के लिए, तो देखिए फिलहाल अभी जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 14,380 का लेवल। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे 30 से 40 मिनट तक ट्रेड करता है तो यहाँ से निफ्टी हमें 14,310 एंड 14,260 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर डाउन साइड के लिए ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे। अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर निफ्टी 14,260 को ब्रेक करता है तो यहाँ से निफ्टी हमें आगे आने वाले सेशंस में 14,110 एंड 14,050 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर डाउन साइड के लिए ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे निफ्टी 50 के लिए। अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 14,430 का लेवल। अगर इस लेवल को निफ्टी पार कर लेता है और इसके ऊपर 30 से 40 मिनट तक सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से निफ्टी हमें 14,480 एंड 14,510 तक जो है वो लेवल्स दिखा सकता है। अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 500 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से चांसेस है निफ्टी के आगे के सेशंस में 14,700 तक बढ़ने के। तो ये निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स है जो आपको आपके चार्ट के ऊपर मार्क करने हैं, ताकि आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल हो सके। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो अभी निफ्टी के लिए तो हमने देख लिया है, तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर।
अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी बैंक भी आज 600 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ है, 31,782 के पास क्लोजिंग आई है। और डेली चार्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडल निफ्टी बैंक ने भी फॉर्म की है। तो निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक भी अच्छी खासी तेजी में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा है, जब तक 33,000 क्लियर नहीं होता है, 33,000 के ऊपर निफ्टी बैंक नहीं जाता है, निफ्टी बैंक के अंदर जो हम लोग ने कहा था शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी बैंक बैरिश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वो बैरिशनेस तभी खत्म हो सकता है जब निफ्टी बैंक 33,000 को पार करता है। अभी अगर फिलहाल बात करें तो 31,000 का सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। तो ऑप्शन चेन डेटा अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखें, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 32,000 के ऊपर और सेकेंड 34,000 के लेवल के ऊपर। वही कॉल साइड में आज सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें दिखाई दे रही है 34,000 के लेवल के ऊपर। तो अभी देखिए निफ्टी बैंक के लिए अपसाइड के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो था 31,500 का, उसके ऊपर तो निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ से अभी जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 33,000 का लेवल। अगर इसको पार कर लिया तो यहाँ से 1,000 से 2,000 पॉइंट्स की हम लोग अपसाइड की रैली जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर फिर देख सकते हैं। वही डाउनसाइड के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि निफ्टी बैंक 31,500 एंड 31,000 के सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करे और उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहे, ताकि हम लोग निफ्टी बैंक को फिर 33,000 तक बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो पुट साइड में अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो 30,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है और पुट राइटिंग हमें सबसे ज़्यादा 31,000 के ऊपर दिखाई दे रही है। तो देखिए जैसे मैंने अभी कहा, ये पूरा सपोर्ट जोन है और जब तक निफ्टी बैंक इसके ऊपर है तब तक निफ्टी बैंक हमें 33,000 तक के लेवल्स डेफिनेटली दिखा सकता है, लेकिन अगर ये टूटता है तो यहाँ से डाउन साइड के लिए 30,000 का नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। तो अभी ऑप्शन चेन डेटा हमने देख लिया है, तो चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। आज की बात करें तो आज ओपनिंग हुई थी 30,763 के पास, इंट्राडे लो था 30,555 का और इंट्राडे हाई था 31,834 का। तो अभी बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स की। तो यहाँ से जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 31,650 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से निफ्टी बैंक हमें 31,310 एंड 31,080 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। वही अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 31,850 का लेवल। अगर इसको पार कर लिया और इसके ऊपर 30 से 40 मिनट तक निफ्टी बैंक ट्रेड करता है तो यहाँ से निफ्टी बैंक हमें 32,050 एंड 32,210 तक लेवल्स जो है वो दिखा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स रहेंगे जो आपको आपके चार्ट के ऊपर मार्क करने हैं, ताकि आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल हो सके। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।